हाय गाइस, स्वागत है आपका शिखा किचन डायरीज़ में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ डोनेट्स, जो कि बड़े और बच्चों दोनों को ही पसंद आते हैं। तो आज इसको हम घर पे बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक मैंने बाउल लिया है, उसमें मैं 1.5 कटोरी मैदा यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं 2 चम्मच पिसी हुई चीनी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो बूरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक पैकेट में इसमें इनो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो हमने सामान डाला है ना इसमें वो सब अच्छे से मिक्स हो जाए। तो एक छोटी कटोरी में इसमें रिफाइंड यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। 2 चम्मच में इसमें ऐड कर रही हूँ दही। तो आप सबको अच्छे से मिला लेंगे। जैसे हम आटे का डो रेडी करते हैं ना, वैसे हम इसका भी डो रेडी करेंगे, बट इसको हम नरम रखेंगे, इसको ज़्यादा हार्ड नहीं बनाएंगे। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके ना दूध ऐड करूँगी और इसका एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे। तो देखिएगा इस कितना सॉफ्ट हो रखा है ये। इसमें 3 से 4 चम्मच दूध मैंने यूज़ किया है। 5 से 6 मिनट तक हम इसको नीड करेंगे ताकि ये जो है ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो आटा जो है वो अच्छे से नीड हो चुका है। अब इसको 1 घंटे के लिए हम ढक कर के रख देंगे ताकि जो आटा है वो अच्छे से फूल जाए। उसके बाद ही हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसको मैं 1 घंटे के लिए ढक कर रख रही हूँ कपड़े से। तो 1 घंटा हो चुका है, मैंने कपड़ा हटा दिया है। अब इसको थोड़ा सा हम गूंद लेंगे इस टाइप से। तो देखिएगा इस कितना फुला हुआ लग रहा है आटा। तो बस अब इसको 1 से 2 मिनट तक और गूंदेंगे। तो आटा जो है वो रेडी हो चुका है। मैंने हाथों को थोड़ा चिकना कर लिया था। तो अब हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो चकले पे मैं थोड़ी सी मैदा यूज़ कर रही हूँ, इससे क्या है जब हम उसको बेलेंगे तो वो चिपकेगा नहीं। तो मैं इसको बेलना स्टार्ट करती हूँ। तो इसको हम थोड़ा मोटा ही रखेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। तो बस अब इसको इतना ही मोटा रखेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। तो इसको गोल करने के लिए आप कटोरी या फिर कोई ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं। तो कटोरी को इस टाइप से रखेंगे और फिर प्रेस कर देंगे तो उसकी गोल शेप आ जाएगी। तो बीच में गोल करने के लिए हम कोई भी ढक्कन यूज़ कर लेंगे। इस टाइप से बीच में रखेंगे और इसको भी प्रेस कर देंगे। तो देखिए गाइस, लग रहा है ना एकदम डोनट जैसा। बीच का जो पार्ट है ना उसको निकाल देंगे इस टाइप से और साइड का भी हटा देंगे। देखिए गाइस, इसको मैंने शेप दे दी है। अब इसी तरह से मैं सारे रेडी कर लूँगी। तो देखिए गाइस, सभी इसको मैंने रेडी कर लिया है। अब मैंने कढ़ाई ली है, इसमें मैं तेल डालूंगी, इसको मैं डीप फ्राई करूंगी। तो तेल को हम मीडियम गरम करेंगे, ज़्यादा गरम भी नहीं करेंगे। अगर तेल को हम ज़्यादा गरम करेंगे ना तो डोनट है ना वो बाहर से तो अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे बट वो अंदर से अच्छे से पक नहीं पाएंगे, इसलिए हम इसको मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से फ्राई करेंगे। तो अब मैं एक एक करके डोनट को डालना स्टार्ट करूँगी। तो देखिए गाइस, जो तेल है वो अच्छे से हमारा गर्म हो चुका है। देखिए गाइस, डोनट जो है वो फूल रहे हैं। तो बस अब इसको हम पलट देंगे। हम इसको दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करेंगे। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं कभी भी। तो बस डोनट रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो उसी तरह से मैंने और भी डालते हैं इसमें, उनको भी फ्राई कर लूँगी। तो इनको पलट लेंगे और उसको दोनों तरफ से फ्राई होने देंगे। तो ये भी रेडी हो चुके हैं, इसको भी मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो देखिए गाइस, इसमें कलर कितना अच्छा आ रहा है। तो एक बाउल मैंने चॉकलेट लिया, इसको मैंने मेल्ट कर लिया है। आप इसमें डेरी मिल्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं और आप डार्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरफ से हम एक डोनट उठाएंगे, उसको डिप करेंगे, इसको चॉकलेट में अच्छे से कोट कर देंगे। तो रेडी हो चुका है। अब इसी तरह से मैं दूसरा भी डोनट लूँगी, इसको भी डिप करूँगी और उसको भी प्लेट में रख दूँगी। तो दूसरा भी रेडी हो गया है, इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी। तो सभी डोनट को मैंने चॉकलेट से कोट कर लिया है। देखिए गाइस, कितने यम्मी लग रहे हैं। तो इसको मैं एक एक करके प्लेट में रख दूँगी। तो गाइस, लग रहे हैं ना एकदम बाजार जैसे। तो ये बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो आप इसको घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसको मैंने बिना यीस्ट का और बिना अंडे का बनाया है। तो ऊपर से मैं इसमें स्प्रिंकल डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें जो व्हाइट चॉकलेट आती है ना उससे भी इसको गार्निश कर सकते हैं और आप इसको
जो ड्राई फ्रूट होते हैं उसको भी चॉप करके इसके ऊपर डाल सकते हैं। वो भी देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो देखिए गाइस, डोनट्स वो रेडी हो चुके हैं। तो गाइस, जितने ये देखने में अच्छे लग रहे हैं ना, उससे ज़्यादा ये खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। तो प्लीज़ आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।